कौन से स्टॉक में इन्वेस्टर ने ज्यादा कमाया। 1/1/2014 को स्टॉक प्राइस थी। 1/1/2020 को स्टॉक प्राइस थी। 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोएस्ट पॉइंट पे था तब स्टॉक प्राइस थी। और करंट प्राइस है 1/1/2014 के दिन 1,00,000 रुपए दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई। मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट वैल्यू है 1,00,000 रुपए की अगर हमने 8% इंटरेस्ट से फिक्स डिपॉजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती। एफडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया। दोनों स्टॉक्स ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया। विनर है एक मिनट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि दोनों स्टॉक्स ने जैसा रिटर्न पिछले 7 सालों में दिया है वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक रिटर्न दे तो उनकी वैल्यू कहाँ पहुंचेगी। थैंक यू।